तो हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्शन, कि हम किस तरह से सिस्टम एक्सेल के डेटा को प्रोटेक्ट करेंगे। देखिए प्रोटेक्शन तीन लेयर में होती है, एक होती है सीट के अंदर, एक होती है सीट मतलब स्ट्रक्चर, दूसरा होता है फाइल, पूरी फाइल को लॉक कर देना। जैसे घर में एक होता है कि आपने अलमारी को लॉक किया, एक होता है कमरे को लॉक किया, एक होता है पूरी बिल्डिंग को ही लॉक कर दिया, समझे? उसी तरह से तो मेरे सामने जो डेटा दिख रहा है, मैं चाहता हूं कि इस डेटा को कोई छेड़छाड़ ना कर सके, मतलब ये 17 है 21 ना कर दे। तो क्या करेंगे इसको, इसके ऊपर सीट का नाम दिख रहा है ना, इस सीट के नाम पे अच्छा जाएंगे और प्रोटेक्ट सीट दिख रहा है, दिखा मैंने इसको प्रोटेक्ट सीट। क्लिक करेंगे। अब इसमें जाना है और ऊपर यहां दिख रहा होगा पासवर्ड, ये रहेगा, इसको हाँ ये सब छेड़छाड़ मत कीजिएगा, ठीक है? अच्छी बात, मैं समझाता हूँ, प्रोटेक्ट इसको भी समझाता हूँ। यहाँ पे जस्ट आपको अपना पासवर्ड डालना है, पासवर्ड डालने से पहले अच्छा माइक्रोसॉफ्ट जो बोल रहा है उसे जान लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे क्लियर कर रहा है कि इफ लॉस एंड फॉरगेट द पासवर्ड इट कैन नॉट बी रिकवर्ड, समझ गया? ठीक तो पासवर्ड डालते समय ध्यान रखिएगा कि मैं तो भूल गई पासवर्ड, ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए, वरना पासवर्ड आपका डेटा आपका भूल जाना हो। हालांकि तरीके और भी हैं जिससे पासवर्ड क्रैक हो जाते हैं, लेकिन सिंपल पासवर्ड क्रैक हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड क्रैक होने में बहुत टाइम लगाता है। तो अच्छा पासवर्ड को यहाँ पे हम, वो भी एक्सटर्नल होता है, कुछ पेड होता है कुछ फ्री होता है, तो आप उसके भरोसे मत रहिए, ठीक है? अच्छा तो यहाँ पे पासवर्ड को हमने किया और जस्ट पेस्ट कर दिया, ओके। अब क्या हो गया, मेरा हो गया एक्सेल लॉक। सिर्फ कौन सा सीट, एक्सरसाइज अच्छा नंबर वन। वन अब मैं यहां पे कहीं भी कुछ भी करूंगा, दिख रहा है आपको, मुझे कुछ नहीं करने दे हाँ रहा है, बट मैं चाहता हूं कि मैं कुछ कर सकूं, जैसे मैं फॉर्मेटिंग कर सकूं, कोई रो इंसर्ट कर सकूं, ऐसा कुछ काम कर सकूं। तो मुझे वापस जाके अनप्रोटेक्ट करना होगा, जहां से मैंने प्रोटेक्ट किया था वहीं से अनप्रोटेक्ट होगा पासवर्ड डाल के। ठीक अब हाँ यहाँ पे मैंने प्रोटेक्ट शीट किया और प्रोटेक्ट शीट करने में यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है, अलाउ ऑल यूजर टू वर्कशीट टू, दिख रहा है? मतलब कि हाँ पासवर्ड डालने के बाद यूजर क्या क्या कर सकता है। तो फिलहाल तो हमने बोला हुआ है कि लॉक सेल और अनलॉक सेल को सेट करना। अब लॉक सेल अनलॉक सेल अच्छा क्या होता है, ये भी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, फिलहाल इसको इग्नोर कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मेट सेल पे क्लिक कर दिया, पासवर्ड डाला, पासवर्ड को रिकमेंड किया, ओके कर रहा, तो मैं कोई चेंजिंग तो नहीं कर सकता, बट वी हैव अप्लाई द कोड, समझे? तो हाँ ये जो होता है, ये जो ऑप्शन है आप जो देख पा रहे हैं प्रोटेक्ट शीट में, ये ऑप्शन ये है कि पासवर्ड डालने के बाद लोग क्या क्या कर सकते हैं, समझ गया? ठीक हाँ अब इसमें एक चीज और आती है यहाँ पे, कि जो लॉक सेल यहाँ पे सिलेक्ट लॉक सेल अनलॉक सेल क्या होता है इसके बारे में बात जानेंगे, लेकिन पासवर्ड डालने के बाद हम डेटा चेंज तो नहीं कर सकते, बट वी हैव कॉपी द डेटा, हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट करने के बाद इसको कहीं भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ना। अब मैं यहां चाहता हूं कि मेरा कोई डेटा कॉपी भी ना कर सके, क्या नहीं कर सके, कॉपी। कॉपी भी ना कर सकते। लेकिन कॉपी जो है दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ एक्सेल, ये विंडोज का पार्ट है, इसलिए कॉपी को डिसेबल नहीं किया जा सकता। तो अच्छा दूसरे तरह से सोचते हैं, कॉपी करने की जरूरत क्या होगी, कॉपी करने के लिए जरूरत क्या पड़ती है, कॉपी कमांड मतलब सेलेक्ट करना होता है और फिर मतलब वही जी कंट्रोल हाँ सी सिलेक्ट करना करना। होता अगर है। हम सिलेक्शन ही रिमूव कर दें तो कॉपी क्या कर लेगा कोई भी, नहीं हो पाएगा तो जैसे कि मैंने क्या किया, इसमें से मैंने प्रोटेक्ट करते समय यहाँ पासवर्ड में सिलेक्ट लॉक सेल अनलॉक सेल को अनचेक कर दिया, मतलब सिलेक्शन की जो अलाउंस थी उसको हटा दिया, यूजर रो कॉलम अब का सिलेक्ट नहीं कर सकता।
पासवर्ड डाला, मैं यहाँ पासवर्ड नहीं डाल रहा हूँ, बट यू हैव अप्लाई द पासवर्ड, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पासवर्ड ना डालें और यहाँ पे जाके जो सिलेक्शन है उस पे हम पासवर्ड अनलॉक नहीं कर दें, डालेंगे तो फिर भी मतलब प्रोटेक्शन अप्लाई होगा, बट अनप्रोटेक्ट करते समय आपसे पासवर्ड नहीं मांगे, बस सिंपल सी बात। अच्छा बाकी सब वही होगा जो होगा पासवर्ड डाल में होता है। तो मैंने क्या हाँ किया, पासवर्ड डालते समय मैंने अलाउंस में सिलेक्शन का जो लॉक सेल सेलेक्ट अनलॉक सेल है उसको अनचेक कर दिया और पासवर्ड डाल के ओके कर दिया। अब मैं कहीं क्लिक नहीं कर पा रहा। अगर मैंने मान लीजिए गलती से कॉपी भी कहीं कर दिया, एक सिंगल चीज़ सेल कॉपी होगा जिसपे पासवर्ड डालते समय कर्सर था, समझ गए? हाँ पासवर्ड डालते समय जहां कर्सर था सिर्फ वही कॉपी होगा, बाकी एरिया कॉपी नहीं होगा, नहीं समझ गए? समझ। चलिए आगे बढ़े। तो हाँ इसको कर देता हूं मैं, इसमें किसी पासवर्ड अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ये हाँ फाइल मैं आपको भेजूंगा, आप कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा ठीक आता है पासवर्ड को, मैं अपने एक्सेल शीट में पासवर्ड को, एरिया को पासवर्ड से बाहर रखना। जैसे देखिए यहाँ पे टाइप नहीं कर पा रहा हूँ, बट यहाँ पे टाइप कर पा रहा हाँ हूँ। अब मैं इसको करता हूँ जो मैंने अनप्रोटेक्ट, सर अनप्रोटेक्ट करता हूँ। अभी जैसे कि आप पासवर्ड डाल रहे थे तो एक चीज आपने गौर किया होगा, यहाँ लिखा हुआ है प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक सेल, दिख रहा है? अब हाँ लॉक सेल क्या होता है, किसी भी सेल के ऊपर जाइएगा फॉर्मेट सेल में और राइट क्लिक, यहाँ राइट क्लिक फॉर्मेट सेल पे जाइएगा तो प्रोटेक्शन दिख रहा है, जहां पे आप ये अप्लाई करते हैं बोर्ड वाला अलाइनमेंट वाला अप्लाई करते हैं उसी में लास्ट में दिखेगा प्रोटेक्शन, यहाँ लॉक दिख रहा है? अगर ये लॉक लगा है इसका मतलब सेल लॉक्ड है। अब सेल लॉक का मतलब ये नहीं कि इसमें पासवर्ड लग गया, सेल लॉक का मतलब हुआ कि ये पासवर्ड को सपोर्ट करता है, जैसे मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ ऐसे पासवर्ड को सपोर्ट करता है, हाँ समझ अच्छा गए? तो मैंने क्या किया कि इस ये येलो एरिया में गया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे गया और इसका जो लॉक जो यहाँ पे लगा था उसको अनचेक कर, मतलब इसको प्रोटेक्शन से बाहर कर दिया, मतलब कि इसको अनलॉक कर दिया जो कि प्रोटेक्शन को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। अब मैं इसमें पासवर्ड डालूंगा, प्रोटेक्ट शीट करूंगा, पासवर्ड डाल के ओके करूंगा, तो क्या होगा कि रेस्ट ऑफ एरिया जो लॉक्ड सेल था जो डिफॉल्ट था उस पे टाइप नहीं होगा, लेकिन जिस पे जाके हमने लॉक्ड हटाया था उस पे टाइप कर सकते, समझ में आया? आगे बढ़ू। अब हाँ ठीक अगला इसी को उल्टा करना चाहता हूं कि मैं कहीं और टाइप कर सकूं, बस इसमें टाइप ना कर सकूं, तो क्या करना है इसके लिए? उल्टा करना है, क्योंकि तो हाँ बाय डिफॉल्ट हर एक सेल क्या होता है, लॉक्ड होता है ना। हाँ पूरी सीट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल, हाँ और इस लॉक को यहां से हटा दिया। अब पासवर्ड डालने पे क्या होगा, जितने भी चीज है सब पे टाइप होगा, होगा और ना? उस जगह पे नहीं होगा। नहीं, तो उसको पहले लॉक करना होगा ना, इस रेड एरिया को लॉक लगाना पड़ेगा। हमने जब यहां सिलेक्ट किया तो पूरा सीट सिलेक्ट हुआ ना, तो इसमें ए भी आ जाता है ना, हाँ, अब फॉर्मेट सेल पे जाएंगे यहां से और वापस लॉक कर प्रोटेक्शन सकते। पे लॉग कर देंगे। हाँ ठीक अब है यहाँ पे हम पासवर्ड लगाएंगे तो ये क्या होगा, टाइप कर सकता हूँ यहाँ पे। अब इधर कर पाएंगे। हाँ अब इसका बेनिफिट क्या होता है, तो बेनिफिट होता है चौथी एग्जांपल, जैसे यहाँ देखिए, अब मैं यहाँ पे ओम लिखता हूँ और यहाँ पे मैंने क्वांटिटी दिया और यहाँ पे एमआरपी दिया। अब मैं टैब जैसे मारूंगा ना तो मेरा कर्सर डी में नहीं जाएगा, सीधे एच में जाएगा, ठीक है। लेकिन कब, जब इसके ऊपर हम वही जो सिस्टम जब इसमें किया थ्री में वो करेंगे तब। कैसे, फॉर्मेट सेल, इसका लॉक हटा देना है फॉर्मेट से लॉग कर दिया, ओके और कर जो देना है। कॉलन है जिसमें हाँ फॉर्मूला लगा है, जिसमें सिलेक्शन नहीं चाहता हूं, कर्सर नहीं ले जाना चाहता, उस पे जाके क्या करना है, इसको लॉक कर देना, समझ गए? लॉग क्योंकि कर फॉर्मूला लगा है जिसमें दिया। टाइप करूंगा ही मैं,
हो गया। हाँ अब इसमें पासवर्ड डालते समय हम एक छोटी सी काम करेंगे, क्या? इस सिलेक्ट लॉक सेल जो चेक होता है, इस सिलेक्ट लॉक सेल को मैं हाँ यहां से हटा दूं, सिर्फ अनलॉक सेल तो लगा हम दूं। फिर इधर नेम, हाँ फिर हम नेम पे कुछ लॉक भी सेल लिख कौन कौन सकते है? यहाँ हैं। देखिए, लॉक सेल क्या है? DEFG लॉक्ड है ना हमारा, तो मैंने हाँ बोला है उस पर कर्सर तुम ले ही नहीं जाओ, इसके अलावा जो अनलॉक्ड उस पर कर्सर ले हाँ जाओ। इससे क्या फायदा होगा कि मैं यहां से जब टैब प्रेस कि करूंगा तो कर्सर सीधे कहाँ जाएगा? इधर इधर नेम क्वांटिटी इन सब पे जाएगा, एमआरपी पे। समझे? तो टाइपिंग करने में बेनिफिट होगा ना, हाँ, यहाँ यहाँ पे फॉर्मूला हमारा लगा है, हमने इसको लॉक कर दिया। अभी इसमें हम कुछ अमेंडमेंट नहीं, यहाँ हाँ हम कुछ भी बढ़ाते रहे और हमारा रिजल्ट फिर आता जाए। एकदम सही समझे, आप होशियार होते जा रहे हैं। अब एक फाइव में आते, तो फाइव में सेम ऐसे ही किया मैंने कि बस इसी का आगे एंट्री होगा, कहीं एंट्री नहीं होगा। तो क्या किया मैंने इसके लिए, तो इसके लिए अनप्रोटेक्ट किया, सबसे पहले तीनों को सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल से, क्योंकि तो मुझे इन तीनों पे ही टाइप करना ठीक है। फॉर्मेट है, सेल पे हाँ किया, फिर इसके फॉर्मेट लॉक सेल हटा में दिया, जाएंगे, इसको लॉग लॉक कर देंगे, हटा देंगे, लॉक तो होगा पहले से, हटा देंगे। हाँ हटा पहले से देंगे। अब हटा देंगे। और फिर पासवर्ड डालते समय क्या करेंगे, लॉक सेलेक्ट लॉक सेल को अनचेक कर देंगे, बाय डिफॉल्ट चेक होगा जैसे, इसको यहां से अनचेक कर देंगे। हाँ ठीक है, अनचेक, अब ठीक देखिए, अब कर्सर क्या हुआ कि हमें टाइप करके एंटर मारेंगे तो डायरेक्ट यहाँ आएगा, फिर फॉर्म वगैरह बनाते हैं उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ ठीक ठीक है, है, ठीक है सर। हाँ सर आ गया, प्रैक्टिस हाँ करूंगी ये फाइल भेज दूंगा आपको मैं। फिर। हाँ अब मैं चाहता हूं एक ही सीट पे दो अलग अलग पासवर्ड, समझे? जैसे मेरे पास दो एरिया है, मिस्टर ए का और मिस्टर बी का। मैं चाहता हूँ मिस्टर बी ए में ना छेड़छाड़ करे और मिस्टर बी ए में ना करे, मिस्टर ए बी में ना करे। इसके लिए हमें जाना होगा रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में यहाँ दिख रहा है अलाउ एडिट रेंज, इस पे क्लिक करें और न्यू पे जाके, हाँ न्यू पे जाके यहाँ पे ए लिख देंगे और यहाँ पे इस एरिया को सिलेक्ट और पासवर्ड डाल। मैं दोबारा से करता हूँ, ठीक है? पहले से बना हुआ है, मैं डिलीट कर देता हूँ। न्यू पे गया, मिस्टर ए के लिए दे दिया, यहाँ पे आया एरिया सेलेक्ट कर लिया, इसमें पासवर्ड डाल ठीक दिया, है, पासवर्ड कंफर्म किया, ओके। फिर वापस न्यू पे गया, हाँ, मिस्टर बी का डाल दिया बी, और यहाँ मिस्टर बी का हाँ, एरिया सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट और मिस्टर बी के जगह पर मिस्टर बी का पासवर्ड, बी का करना। पासवर्ड डिफरेंट होगा। हाँ, ठीक है, अप्लाई कीजिए। अब और ओके। इसमें अभी टाइप तो हो रहा है कि कब इम्प्लीमेंट होगा, जब सीट के ऊपर पासवर्ड आ, समझ गए? अब जो है हाँ, जब हम सीट के ऊपर पासवर्ड डालेंगे तभी अप्लाई हो। जी, एकदम सही समझे। तो फिर सर हम सीट को पूरा ही सेलेक्ट करेंगे ना पासवर्ड के लिए, हाँ, तो इन दोनों एरिया पे ही टाइप होगा, बाकी एरिया पे कुछ टाइप नहीं होगा। तो और नहीं जैसे होगा। जैसे हाँ ए पे टाइप ठीक करने जाएंगे ना, आपसे पासवर्ड पूछेगा। आपने पासवर्ड डाल दिया मिस्टर ए का, अब मैं टाइप कर सकता हूँ कब तक? जब तक कि फाइल को रीओपन ना कर, रीओपन करते ही दोबारा पासवर्ड डालना होगा। अच्छा सर, आपको बहुत खांसी आ रही है, आप थोड़ा अच्छा सा सब सीरम ले लो। मैं बोलता हूँ तो खांसी होता है, ऐसे नॉर्मल लगता है, लग रहा है केजरीवाल जी की खांसी आ अरे गई। अरे ऐसा मत बोलो सर, उसको केजरीवाल जी है ना हमारे, उनकी खांसी भी तो गई नहीं है। काली खांसी, वो जाएगी भी नहीं सर, ब्रोंकाइटिस समझ है उसको, सीवियर ब्रोंकाइटिस। में आ गया ना आपको ये? हाँ सर अब देखिए, हमने क्यों किया, आज, हमने फेज वन किया, हमने सीट के हाँ अंदर पासवर्ड लगाया, लेकिन अभी भी सीट को कोई भी डिलीट कर सकता है, हाँ समझे? कोई भी सीट को क्या कर हाँ सकता है? डिलीट कर सकता है।
डिलीट कर सकता तो है। रिव्यू के अंदर ही आपके सामने प्रोटेक्ट वर्कबुक आ रहा है। अब इसमें मैं पासवर्ड लगा दूंगा ना, अच्छा पासवर्ड लगा दूंगा, पासवर्ड कंफर्म कर दूंगा, तो क्या होगा, सीट को भी डिलीट नहीं करते, पे डिसेबल हो गया, हो गया ना। लेकिन फाइल अभी भी ओपन हो सकती है, तो फाइल फाइल ओपन ही ना हो, ओपन होते ही ओपन पासवर्ड मारे, तो फाइल के अंदर इन्फो दिख रहा है, इन्फो के अंदर आता है एनक्रैप्ट वर्कबुक विद पास, एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, सॉरी, ठीक है, इस पे हाँ जाके पासवर्ड डाल दीजिए, इससे पासवर्ड डाल दीजिएगा तो पासवर्ड ओपनिंग पासवर्ड मांगेगा।